बा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फुला मालिका हरि हे ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोलो जगन्नाथ 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 पाहि माम बलभद्र 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 रक्ष माम जगन्नाथ 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 पाहि माम बलभद्र 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 रक्ष माम सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि माम सुदर्शन 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 रक्ष माम सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि माम बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाईफुल मालिका को स्वागत करुछु। जाईफुल मालिका रे महापुरुष जहाँ लिखिंट गोटे पर गोटे सत्य हो तार प्रमाण आंभे मैंने आपण मानक देउछु आउ केमिति आगको ताहा किभळी भावरे घटिबो आउ आपण माने केमिति से समस्यार समाधान पई बाट खोजिबे ताहा मध्य मालिका रामे माने आपण मानको कहुचु केमिति सतर्क रहिबे आउ किभळी भावरे खाली समस्या नुहे मालिका समस्यार समाधान आगत भविष्यतर ये विरल कथिका जाई फुल मालिका कोण कहिले महापुरुष आगत भविष्यतरे जा जा घटिबो आज शिष्य रामदास गुरुदेवंकर पाद तले पड़ी हे गुरुदेव आग को कौन आउ सब घटिबो टिके कहंतु ए कलिजुगर कराल गति रे कौन आउ सब घटिबो एठि अछत कहउचंती एमिति एक समय आसीबो आउ जो समय रो अनुभव आमे कलेनी आउ आपण माने ए पद को जाईफुल मालिका रे सुनि सल्ला परे नियाति कहिबे मालिका रे जहां लेखा होइतिला ताहा सत्य होउची कौन से पद महापुरुष कहउचंती कले जाला शिशु प्रसव जाला शिशु प्रसव जाला शिशु प्रसव जाला शिशु प्रसव अनेक शिशु जे गर्भे रहिबलो जाई फुल बहु विकलांग पुत्र हेबो बहु विकलांग पुत्र हेबो बहु विकलांग पुत्र हेबो बहु विकलांग पुत्र हेबो। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहुचंती बाबूरे कलिजुगरे जाला शिशु प्रसव हेब आगक आपण मानकर इत्ते आगुरु जाला शिशु हो नथिले आगक आउरी मध्य जाला शिशु माटिए प्रसव करिवो आउ त सहित अनेक पुत्र संतान शिशु माने गर्भरे रहिबे गोटे माँ आपण मानकर दुईटी बा जाला पुत्र जन्म करिवार कथा हे सुदी सज्जन आपण माने देखिछंत किंतु एबे एमिति विचित्र घटना सब आखि सामना को आसुचि गोटे गोटे माँ पांचटा शिशु छटा शिशु शिशुपुत्र को जन्म दौंत आम ये ओडिशा माटी रे भारत भूमि रे भारत बाहर मध्य विभिन्न इंटरनेट रे आपण माने देखुछंत गोटे गोटे माँ छटी शिशु को जन्म देइछंत ए बेकार घटना ए सुदी सज्जन यह छ सौ वर्ष पूर्वे अच्युत कही अनेक शिशु गर्भे रहिबे हे सुदी सज्जन पुराण जगत रे जा होतिला सौ शिशु पचास शिशु हजार हजार शिशुंकर जन्म होतिला हे सुदी सज्जन किंतु गर्भरु नुहे अन्यत्र केउठी यज्ञ कुंड रु उत्पन्न होइचंते त केउठी फल रु उत्पन्न होइचंते किंतु एबे गर्भरु उत्पन्न होबा कथा महापुरुष कहउचंते कलि युगरे अनेक शिशु जे गर्भे रहिबे भक्त बंधु भांगी पड़ंतु नाही दुख पड़िले आपण मानंकर पाप सरी जाए आउ सुख पड़िले पुण्य सरी जाए जे जहाँ कर्मफल जे जहाँ भोगिबाकु आसी थांती आउ भोगेबाकु मध्य आसी थांती एथिरे ज्ञानी माने विचलित होंते नाही भक्त माने विचलित होंते नाही महापुरुष कहउचंते काहेके ना कलि युगरे अनेक लोक धर्म छाड़ी करी अधर्म बाटरे जीवो बोली महापुरुष कहउचंते एक कथा आम कहूनु अच्युत महापुरुष से जाईफुल मालिकार से पद को आपण मानक पाखरे रखिबु महापुरुष कौन कहिले कले धर्म छाड़ी बहुजन
धर्म छाड़ी बहुजन धर्म छाड़ी बहुजन धर्म छाड़ी बहुजन अधर्म बाटरे बोलाई मन लो जाई फूल से जे उपार जीवे बहु धन 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 बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहते धर्म छाड़ी बहुजन बहुत जन धर्म को छाड़ी से माने अधर्म बाटरे धन उपार्जन करिवे भक्त बंधु अन्याय अत्याचार पूर्वक बलपूर्वक अन्यठ धन अरण करिवे ठकिवे भंडिवे आ महापुरुष कहले अधर्म बाटरे बळाइबे मन जणे जणे मिछरा कहिवे आ किछि तो रास्ता नथिला मु एई बाट बाछि नेली हे भक्त बंधु बाट बाछिया पूर्वरु आपण धर्म कोटा अधर्म कोटा मु जो धन रोजगार करुची आ द्वारा कार क्षति हेउनी तो मु बंचिवा पई पांच जण को मारुनी तो निजे बंचिबा मनीषर प्रकृति किंतु अन्य को बंचेबा आम समस्त संस्कृति हे सुधी सज्जन संस्कृति प्रति ध्यान देवे निजे खाइबा प्रकृति हेले अन्य को खुआइबा संस्कृति आउ परधन हरण करिबा या हूँ गोटे विकृति तेणु आपण संस्कृति की प्रकृति की विकृति करिवे यह आपण मानक निर्भर हे सुधी सज्जन जाई फुला मालिकारे महापुरुष कहते बाबूरे धर्म छाड़ी बहुजन अधर्म बाटरे बळाइबे मन आउ से जे उपार जीवे बहुधन बहुधन उपार्जन करिवे आउ लोक माने कहिबे से कोन कोठा करिचा निज पैसा रे कला टंका जन जन कहंती नि अधर्म करि नै मारिकी आनिचि एई बळे भावरे मध्य लोक माने बहु टंका एकत्रित करिवे किंतु पापर घणा बुझै हेइनि आउ बुझै गला परे काम सरी जाय भक्त बंधु जेतबळे लुहा खुली जाय कळंकी लागि यह लुहार सौंदर्य बुद्धि करे नहीं बरम लुहा को ध्वंस कर दिए लुहा भावे जाओ मु फुली मोटा ही गली किंतु गोदर गोड़े मांस लगवा जहा अर्थात अन्याय उपार्जन धन बहु बैंक गच्छित हो रही सत हेले कौन काम को नुह ता कौन कार्य लगिपर ना कहले पापधन प्रायश्चित जाए से ही हम आउ भक्त बंधु ए कथा को महापुरुष लेकिन तेणु धर्म छाड़ी बहुधन धर्म करिवे नाही आउ अधर्म बाटरे जीवे भक्त बंधु मन पड़ी जाए से दिन गोटे राजा कौन कले जेतबले चिंता करुछंती जीवन शेष समय आसीगला से राजांकर चारोटी स्त्री आउ जेतबले चारोटी स्त्री राजा कौन करुछंती ना जेतबले जीवाकु पड़िबो ए संसार सागर चारोटी स्त्री को कहवाक लगे किए मो सांगरे जीव तुम्हें जहाँ को अधिक भल पाते से स्त्री को प्रथम पचारे चारोटी स्त्री पचारे कहे देख मोर शेष समय आसीगला तुम्हें मो सांगरे जीव तो संगे संगे स्त्री टी कहवाक लगला कहला नाई नाई मु तुम सांगे जीवन तुम्हें गलापर मुझे द्वितीय स्त्री को पचारे कहला अच्छा तुम्हें जीव मो सांगरे ना जीवीजे तुम जुई पर्यंत शेष जीवा मोर तापर आ तुम सांगे जापरिना अच्छा तुम्हें मो सहित जीव कि तृतीय स्त्री को पचारा ना मुझे हेले दांड दुआर पर्यंत बेसी हेले मशाणी पर्यंत आठ आगो ना मुझे एत भल पाए ना भल पाइले कौन मुतिकी जापर आईपरिना चतुर्थ स्त्री जहाँ को सबुब अणदेखा करे राजा से स्त्री पाख को जा पहुँचीगला भे भे कर कांदवाक लगला हाथ जोड़ीदेला आउ कह लगला अरे जीवन रे तुमको केबे मु भल पाइनि आते बड़े कौन टिके पाई तुम पाखक आसी तुम्हें मो सांगे जीव तो आउ चतुर्थ नंबर स्त्री कहवाक लगला राजा तुम्हें सिना मत भल पाओना मु तुमको भल पाए जी समय तुम्हें मत भल पाइच ता फल स्वरूप मुहि केवल तुम सांगे जीवि व्यस्त हुआना ये चारोटी स्त्री किए भक्त बंधु राजांकर चारोटी स्त्री तीनोटी स्त्री कई सांगे जावाई राजी नुहंती किए कहे मुझ जुई पर्यंत जीवि आउ किए कहे मुझ दांद दुआर मुह पर्यंत जीवि आउ किए कहे अधिक भल पाता स्त्री टी कौच तुम्हें गलापर मुझे कितु चतुर्थ स्त्री राजा को कहे मुझ तुम सहित ही जीवि तुमको केवे छाड़ी ना जी समय तुम्हें मत भल पाइ से भल पाइर प्रतिदान मुझ तुमको आवरिकी बसवि
भक्त बंधु ये चारोटी स्त्री किए प्रथम स्त्री जहाँ राजा अत्यधिक भल पाते सी हूँ किए ना धन टंका सारा जीवन कमेबारे मनीष लग जाए राजा भी लगी भारी भल पाती धन को किंतु राजा गलापर बा मनीष मलापर से धन कौन कहला मुकार प्रकृतर धन आउकार हो जाए मनीष एत टा संचय कै शेष को आउकार हो जाए आउ से स्त्री भी सही कथा कही तुम्हें गलापर मु गाँव रही द्वितीय स्त्री कहला मुझ जुई पर्यंत जी शरीर एत सुंदर किमें सजेचे एत सुंदर कितन करते भल पाऊे टिके खंडियागले जीवन छाड़ जाऊ तू मत मारू मु ते न मारिक छाड़ी ना शरीर हेले कौन हम जुई पर्यंत जी आग को जापर ना आउ तृतीय स्त्री जहाँ को अत्यधिक प्रियजन बा निज स्त्री मशाणी पर्यंत जी दांड दुआर पर्यंत जी किंतु आग को आईपर ना जहाँ मनीष भल पाए सी ये रहीजी आउ चतुर्थ स्त्री किए जीवन भितर जहाँ को अनादर कर धर्म जदि चतुर्थ स्त्री कहवाक लगला जदि टिके मत जीवन अधिक भल पाई था मु तुमको आवरिक बसता तथा जी भल पाइच मु तुमको केवे छाड़ी ना आ मनीष धर्म करने को पछाए किंतु से धर्म टिके जदि जीवन में करें धर्मता को केवे छाड़े ना अर्थात भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी जीव गला बेले का गोविंद सारथी से धर्म ही केवल आवरिक मनीष को बसे से कहा जाए बाबूरे धर्म एका सीना महत पणिया आउ सब बाबू अढ़ई दिनिया महत पणिया हूँ धर्म तेणु जिते पारू धर्म कर समस्ते कहते बाबा धर्म केबे नष्ट हुए ना धर्म केबे क्षय हुए ना धर्म परा जगी की बसे धर्म थी सीना पथ को संकाली हेब तोर हे सुधी सज्जन आउ मनीष धार्मिक हेले लाभ कौन हम ना कलि युगरे महापुरुष अनेक भक्त धार्मिक धर्म जोगु इंद्रदेवता खुशी हो वर्षा करिवो वृष्टि करिवो आउ प्रजा माने आनंद रे रहिबे ये ज्ञानी मानंकर भक्त मानंकर श्रद्धालु मानंकर जो माने प्रभु विश्वासी से मानंकर पुण्य कर्मर फल स्वरूप खाली कोन पाप भोगी थिया पुण्यर फल किछि नाही धार्मिक मानंकर धर्मर कोन प्रभाव किछि नाही ता प्रभावरु कोन हबो ना से धर्म प्रभावरु महापुरुष कहउचंती आनंद रे इंद्र वृष्टि करिवो ए धार्मिक मानंकर क्षेत्र फसल सब आनंद रे हे सुधी सज्जन शस्य श्यामला हब एक आम कौन भक्त बंधु महापुरुष कहते आँ कौन कौन से पद कले बेल जानी इंद्र सुवृष्टि कर रुखकार बौल लो न रुखकार महाशक्ति धारी अनंत केसरी पाड़े सत्य संसार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते बाबूरे से अनंत केशरी राजा हेबे आउ कौन हबो इंद्र सुवृष्टि करिवो धार्मिक लोक मानकर पुण्यर फल स्वरूप इंद्रर सुवृष्टि देवु ये संसार रहिव नईले संसार ध्वंस पलटि जीव हे सुधी सज्जन जदि धार्मिक लोक न थांते ये कलि युगर आयुष केबेटु सरी जानते आपण मानक भली ज्ञानी गुणी मालिका विश्वासी अच्युतंक सर चरण रे शरण जाइथिबा भगवत भक्ति जगन्नाथ निजर सर्वस्व मन करुथिबा गुरुंकु निजर प्राण बोली भाबी भजन कीर्तन को छाडु नथिबा जिते दुख पड़ू कष्ट पड़ू आपण माने भगवत चिंतन थिबा भक्त मानक पाई आज ये संसार रही भक्त बंधु मु आपण मानक कोटी प्रणाम करुची जो माने कि धार्मिक लोक भगवत प्रेमी लोक मालिका प्रेमी लोक आउ ये कार्यक्रम को देखुचंती भक्त बंधु कहला बेल को आखि छल छल हो जाऊँगी कहीं आपण मान भाव को मु प्रणाम करुची हे सुधी सज्जन आपण मान भाव को मु प्रणाम करुची कहीं आपण भाव हूँ महान तेणु जमी भाव सेमती लाभ आउ कौन महापुरुष कहते कलि युगरे अनेक लोक आसवे जार रूप हो सुंदर किंतु काम गुड़िक सब असुंदर ये कथा आम कहून महापुरुष जाई फूल मालिकार यार प्रमाण देखते कह एमती समय आसो जो समय भितर मनीषर रूप सुंदर हो
किंतु काम होचि असुंदर महापुरुष कौन कहते कले रूप जे हेब सुंदर रूप जे हेब सुंदर रूप जे हेब सुंदर रूप जे हेब सुंदर छंद माया भरा तांको अंतर लो जाई फुल तांको पासरु रहतु दूर तांको पासरु रहतु दूर तांको पासरु रहतु दूर तांको पासरु रहतु दूर बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते क्यों मानक आपण को दूरे रहिबाको पड़िबो भक्त बंधु आपण माने मन रखि तांत एई कथा जाईफुल मालिका कहले केवल समस्यार कथा उठाए ना आज समाधान आपण मानक जीवन रे आनंद भरीदेला भली आउ अगोगुल रे कंटा केबे बाजिबो नाही जदि आपण जाईफुल मालिका देखुचंती तार समाधान आपण मानक कहुचु आउ आपण माने आनंद रे केमिति रहिबे ये सुधी सज्जन दुष्ट आपंक कष्ट पारे ना कौ मान पाखु दूरे रे आप रूप जे हेब सुंदर अनेक मनुष्य थी जार रूप अनेक सुंदर थी किंतु कौ लोक दूर रे जहाँ भितर छंद माया आहाँ भर द्वंद्व भरा हे सुधी सज्जन ओंकारी ये मानूर जाईफुल मालिका कहे टी दूर रे कपटिया लोक जो माने अछंती से मानक पाखरु दूरे रहिबे काहेकि ना कपटिया लोक संसार हे सुधी सज्जन संसार टाकू केवल निज स्वार्थ साधना पई लागिथिबे आ जोटी स्वार्थ सिद्ध नला सेटिकु जमा जिबे नाही बहुत लोक अछंती संसार भितरे तेनो से भले कपटी लोक छंद माया भरा लोक आपण भावुथिबे उपरे उपरे एते मते भल पाउची किंतु भितरे कौन गोटे से माने निजर स्वार्थ आशा रखिथे तेणु भक्त बंधु आपण माने विचार करिवे जाईफुल मालिकार गोटे पर गोटे प्रमाण रही काहा को छाड़िबे काहा को धरिबे तेणु कलिजुगरे छंद माया भरा ये संसार भितर आपण मानकर जो माने छलना करचंते आ स्वार्थी लोक मानक पाखु सबुबले सोशल डिस्टेंस रखिबे भक्त बंधु काहेकि ये कोरोना ठारु भी बड़ भयंकर ये कपटिया लोक तेणु आपण माने तांको ठारु दूरे रहिबे बोली जाईफुल मालिका कहउचंते पुनश्च तेणु हे सुधी सज्जन ए मानक ठारु आपण माने सोशल डिस्टेंस रखिबे काहेकि ना ए माने कोरोना ठारु मध्ये बड़ विपज्जनक हे सुधी सज्जन पुनश्च महापुरुष कहउचंते बाबुरे ये कलिजुगरे से माने मिथ्या अभिनय करिवे आउ कौन कहउचंते जाईफुल मालिकारे से पद को आपण मानक आगे रखिबा मिथ्या करी अभिनय मिथ्या करी अभिनय मिथ्या करी अभिनय मिथ्या करी अभिनय असत्य मार्गे जे करिबे आयलो जाई फुल राम देखिबु बहु अन्याय राम देखिबु बहु अन्याय राम देखिबु बहु अन्याय राम देखिबु बहु अन्याय बोलियो भक्तवत्सल भगवान की महापुरुष बड़ सुंदर भाव रे कहिले मिथ्या अभिनय करिबे कपटी माने मनीष भी बेले बेले आय करिबा पई भी मिथ्या कथा कहिबाको पड़िबो बहुत कपटी मानंकर कथा रे मिछ कथा रे आपण मानक पड़ी आपण को धन टंका को आपण मान नष्ट करि देबे अनेक लोक एमिति कि ऋण देइथिबे धार देइथिबे किंतु से मिथ्यावादी माने कहिते मु एई दिन फेरै देबि किंतु पैसा सियाडे गला आउ एमिति आसी आपण मानक पाखो पाइबार थौ एमिति आसी रोल करिवे आउ आपण भाबिबे मिथ्या करि अभिनय एमिति अभिनय करिवे भाबिबे प्रकृत लोकटा असुविधा रे अछि आउ एही दिन ही से टंका फेरी दब कहउची आपण को दया आसीबे आपण टंका देबे बा सहाय्य करिवे सहयोग करिवे किंतु शेषरे से एडे भयंकर हे जीव धन त देबो नै देबो नै आपण ताको मागी भी पारिबो नै मागिले से आपण को डरेबो ओ कोन एते मागु छम हं गाली करिवो हे सुधी सज्जन महापुरुष जा लेखुचंती गोटिए परे गोटिए जाईफुल मालिका रे सत्य होई तणो आपण कहते कान हुंडा आंसी रहिबा जा ए मिथ्यावादी अभिनय करुवा लोक धन दवा से सुधी सज्जन एक महापुरुष 600 वर्ष तले लिखी देखुना से मिथ्या अभिनय करुवा कपटी कथार आपण मानक रामायण को जी तृतीया जुग से दिन माँ जानकी को पुष्पक विमान हरण कर रावण को अटकवाई जटायु पक्षी जा पहुँचीगले अनेक युद्ध चलला कि रावण जटायु को परास्त करी परिला नाही जटायुर चंचु आघात
रावण क्षताक्त है जान ला पारे कपट आरंभ करदेला कहला हे जटायु महाराज तुम्हें तुम मरण भेद कहीदि मु मोर मरण भेद कहीदेवी नईले एमती परस्पर हजार वर्ष युद्ध हेले कई गाँव को पारा ना जटायु कपटी पथारे पड़गले आउ कहवाई लगिले कहले मो पक्षी को जदि छेदन कर मरवि ना मरवि ना ये रावण कपट मिथ्या अभिनय कला कहला मोर मोर पादर वृद्धांगुली को जदि तुम्हें चंचु मार थंट मार मु मरीजी मोर से हूँ मरण भेद तुम्हें बाम आंगुटीर नख को जदि मारिपर कहीं रावण एक कहला कहले जटायु जो तलमुआ हम से गोटे चंद्रहास खड़ग से पहार देवी जटायुर पक्षी छेदन हम कि जटायु जेपर्यंत सन्मुख मत मुआ मारिपर ना कपटी कथार जटायु पड़गले अभिनय वृथा आज हे सुधी सज्जन अभिनय आज कर रावण जटायु को कौन कला विनाश करने बाट खोजला आउ हे सुधी सज्जन आपण माने बेले बेले से वृथा अभिनय बावला हो जाते जन जन जो अभिनय करते हे सुधी सज्जन आज जटायु से निज मरण भेद कहीदे आतरे केवल रावण चाहूला केमी उपाय कर जटायु को विनाश करी कह जोबले से तलमुआ हम मु बुढ़ा अंगुटी कहले से मारि जटायु तलमुआ है जोबले मारे कहे पाद को आघात कले किए कौन मर रावण विचार कला से पाद को आघात करने तलमुआ हम मुझे ही मारि आईला चंद्रहास खड़गरे गोटे पहार दे जटायु पक्षी छेदन कर जटायु हाथ जोड़ी कहले जगत को जनइले केवेले कपटी कथार पड़ ना कहीं रावण पादर चंचु मारे रक्ताक्त हो पाद छिड़ी गला बुढ़ा अंगुठी किंतु रावण मला नहीं हसिला कहला मु मिथ्या कही तेणु कलिजुगर मिथ्या अभिनय करी असत्य मार्ग रे धन अर्जन करे आर मृत्युर कारण हेबे तेणु राम देखु बहु अन्याय अनेक अन्याय अनेक लोक मैंने मिथ्या कहे आपण शुणिले ह आश्चर्य होजे गोटे दुकान रे गोटे झील जा पहुँचला आउ कह लगे आज्ञा यही जिनस मत सब दिं दोकानी देला आज जो बड़े देला दोकानी कहला एत पैसा है झीलटी सांगे सांगे कह लगुच कहला आज्ञा कौन एत पैसा नौ सबुदिन आम ये दोकान रु नौ देखला बेलू आपत टकर नौ मिथ्या आरंभ करदे दोकानी हसला कहला मारे टी मिछ कम कह मु तो आज दोकान आरंभ कली तू सबुदिन केमी मो दोकान रु नौ हे सुधी सज्जन कहार तात्पर्य मनीष स्वार्थपाई मिथ्या कहे तो यही भाव कलिजुगर कराल गति अच्युतानंद महापुरुष कहते मिथ्या अभिनय करे आउ असत्य मार्गे जे करे आय राम देख बहु अन्याय आगक बहु अन्याय घटव महापुरुष कहते पुनश्च जाइफुल मालिकार महापुरुष अच्युत जहाँ शिष्य रामदास कहते गोटे पर गोटे सत्य होवर्त समय भितर मिले प्रकृत जाइफुल मालिकार लेखाला सिद्धार्थ भक्त कथ आलोचना आम्भे मैंने शुणीचु आ प्रकृत मालिका ग्रंथ सत्य जाइफुल मालिका सत्य भक्तबंधु जाइफुल मालिका जीवनर सत्य को बुझाए आउ आगत भविष्य कथा कहे तेणु आपण मैंने सबुदिन ये कार्यक्रम को देखु आउ भविष्य संपर्क अच्युत कौन शिष्य रामदास कहते आपड़ से कथा श्रवण करूँ जहाँ गोटे पर गोटे सत्य होनश्च जाइफुल मालिकार कौन आलोचना होमें आलोचना करवा कि समय संकेत भक्तबंधु आपण विदाय ना दुईबार नाम नहीं ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासु देव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।